अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। आज आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। विंटर स्पेशल सूप है, सब लोगों को बहुत पसंद है विंटर में सूप इंजॉय करना। तो चलें आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं सूप कैसे बनाती हूँ, तो मेरे साथ रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। पैन में मैंने तकरीबन एक जग भर के पानी का ऐड कर दिया है। उसमें मैंने शामिल किया अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेशली चॉप करके, और साथ में चिकन मैंने ऐड कर दिया है। चिकन मैंने बोनलेस भी लिया है और विद बोन्स मैंने लेग पीस भी ऐड किए हैं। हड्डी वाला चिकन होगा तो फ्लेवर ज़्यादा निकलेगा। आप चाहें तो इसके अंदर गर्दने भी ऐड कर सकते हैं, उसकी यखनी उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल निकलता है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और इसे इतनी देर कुक करेंगे कि चिकन सॉफ्ट हो जाए और ज़बरदस्त सा इसका जो फ्लेवर है चिकन का वो यखनी में आ जाए। इसके बाद चिकन को हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे और जो इसका स्टॉक है इसे हम छान लेंगे। दोबारा से पैन मैंने ले लिया है और अब हम इस पैन में बिल्कुल 1 टीस्पून ऑयल लेंगे, और बहुत कम ऑयल आपने लेना है। इसके बाद आपने बोनलेस चिकन बिल्कुल बाइट साइज़ आपने छोटा छोटा उसे कट किया होगा, उसे आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बिल्कुल ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। जैसे ही पिंक से वाइट कलर आ जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। तो जनाब यहाँ पर मैंने ली है गाजर, मटर और साथ में ली है बंद गोभी। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है, मटर भी मैंने वॉश कर लिए हैं, और सब्जियों को चिकन के साथ ऐड कर देंगे। और बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए, लाइक 30 सेकंड्स के लिए आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ओवर फ्राई नहीं करना। इसका मकसद ये है कि चिकन के साथ इसका फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा बन जाए और एक अच्छी सी अरोमा आ जाएगी वेजिटेबल्स में। अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे, चिकन स्टॉक जिसे मैंने छान के रखा हुआ है, और उतनी ही शामिल करेंगे जितना हमें सूप बनाना है। पाँच से छः मिनट तक इसे कवर कर देंगे। बस उतनी देर आपने कुक करना है जब तक मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, और गाजर और बंद गोभी को कुक होने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जी तमाम वेजिटेबल्स, चिकन, हर चीज़ अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और इससे वेजिटेबल स्टॉक भी निकल आएगा। अब इसमें श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे जो कि मैंने बोनलेस बॉईल करके रखा हुआ है, और जो मैंने लेग पीस बॉईल किए हैं वो आप किसी और रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी तरह से करती हूँ कि जब भी यखनी बनाती हूँ तो चिकन जो बॉईल होता है वो फिर बच्चों के लिए कोई ना कोई स्नैक्स बना लेती हूँ। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगी। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जो कि फ्रेशली मैंने क्रश की है, और इसके अलावा मैं इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि चिकन का ऑलरेडी फ्लेवर आ चुका है। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के इसमें विनेगर यानी सिरका जाएगा, और इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस, और ये लाइट सोया सॉस है, हैवी नहीं है। और आप लोग जब भी सूप बनाया करें, आप लोग चाइनीज़ जितनी भी सॉसेज हैं पहले भी ऐड कर दिया करें थोड़ी थोड़ी, और साथ में भी सर्व कर दिया करें। और यहाँ पर रेड चिली सॉस यानी कि जो चिली सॉस है वो मैंने ऐड कर दिया है। सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस तीनों मैंने 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग डाल दी हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह सिमर कर लेंगे। इसके बाद 2 अदद अंडे अच्छी तरह बीट कर लेंगे। इन्हें मैं इनकी जर्दी के समेत ही डाल रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो जर्दी को स्किप कर सकते हैं, कुछ लोग इसमें सिर्फ एग वाइट्स डालना लाइक करते हैं। थोड़ी देर के लिए आपने इसको चम्मच को नहीं चलाना, जस्ट कुछ सेकंड के लिए आपने इसको ऐसे ही कुक होने देना है। इसके बाद आपने चूल्हा तेज़ करके चम्मच को चलाना है और इससे एग्स बहुत अच्छे कुक हो जाएंगे।
5 मिनट तक इसे कुक किया है, एग्स अच्छी तरह डन हो गए हैं। अब मैं इसे थिक करूंगी। गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर ले लिया है, जिसे मैंने यखनी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ सारा शामिल नहीं कर देंगे। और फ्लेम आपने मीडियम रखना है। जब आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी हो जाएगी, यानी कि थिकनेस आपकी पसंद की हो जाएगी, तब आपने यानी कि कॉर्नफ्लावर ऐड करना बंद कर देना है। और जैसे ही कॉर्नफ्लावर आपने डाल देना है, आपने फ्लेम हाई करके इसे कुक करना है। और बिल्कुल परफेक्ट ये गाढ़ा हो चुका है। अब आप इसे किसी बोल में निकाल लीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा सूप हमारा हो गया है रेडी। आप चाहें तो इसे मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे घर में ऐसे लाइक करते हैं। और देखें, मज़ेदार सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का सूप घर में ही रेडी हो गया है। अब मैंने साथ में चिकन टेम्पोरा भी बना लिया है, जो कि बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपी है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा पे टैग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रेसिपी ट्राई की तो बहुत ज़बरदस्त अच्छा फीडबैक मिला। आप लोग भी चाहें तो चिकन टेम्पोरा की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत झटपट बन जाती है। और मैं सूप के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने भी बना लिया है चिकन टेम्पोरा। और मज़ेदार सा हमारा सूप हो गया रेडी, बहुत ही टेस्टी। और विंटर्स में तो बहुत ही अच्छी लगने वाली ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है। So that's it for today. If you are new to my channel, you can also subscribe my channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.